अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे आते ही आप किचन में घुस गए। अभी तो खाना खाकर ही आई हूं मैं। कोई नहीं, इससे कौन सा पेट भरेगा, चाय तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए होती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाभी चाय में से। हाँ, लौंग, इलायची, अदरक सब कूट के डाल रखा है मैंने। मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दी जुकाम एकदम लग जाती है, बच्चों को भी हमें भी। तो मैं क्या, आजकल सही रहती है मसाले वाली चाय। भाभी सही है, ये तो काढ़े का काम कर रही है। अब इसे क्या आफत आ गई। हाँ बता, क्या बात है। मम्मी, आज स्कूटी पंचर हो गई है और इसका टायर भी कट गया है। हाय, लो कर लो बात। चल एक काम कर, सोंटी मैकेनिक पे ले जा। वहीं खड़ी हूँ मम्मी, आप पैसे। हाँ हाँ कर दूंगी, बोल देना उसे कि मम्मी ने बोला है, कर देंगे हिसाब। चल अब मम्मी पूरी बात सुनने से पहले ही कट कर देती हैं। अब इनको कैसे बोलूं, मम्मी बाद में हिसाब करने के लिए बोल रही हैं। लो भाई, जिधर देखो उधर ही नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है बस। क्या हो गया भाभी, कैसे परेशान हो गई एकदम से। बस क्या बताऊं आपको, ये महीना तो बहुत ही मनहूस चल रहा है हमारे लिए। पहले तो इसके पापा की गाड़ी खराब हो गई, उसमें ही लग गए 10-15 हजार रुपए। फिर घर की मोटर फूक गई और अब दीप का कॉल आ गया कि मम्मी स्कूटी में पंचर हो गया, और पता नहीं कितने नुकसान होंगे अभी। भाभी नींबू मिर्ची नहीं लगा रखी ना आपने घर में कहीं भी, इसीलिए नुकसान हो रहे हैं भाभी। पिछले हफ्ते से पहले हमारे घर पे भी यही हाल था, लेकिन भाभी जब से मैंने नींबू मिर्ची लगाई है घर में, सच बता रही हूँ, बड़ी शांति है मेरे घर में। नजर ना लग जाए किसी की, मैं तो हर शनिवार को लगवाती हूँ नींबू मिर्ची, सारी बुरी बलाएं दूर रहती हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ शनिवार को आता है लड़का, वही लगा के जाता है, 5-10 रुपए ले लेता है बस। हाँ बेटा। मम्मी पापा का ऑफिस से आते हुए एक्सीडेंट हो गया और नींबू मिर्ची टूट कर गिर गई। हाय, नींबू मिर्ची टूट के गिर गई तभी हो गया ऐसा, ज्यादा तो नहीं लग गई उनको। चल ध्यान रख, आती हूँ मैं, आ रही हूँ बस, आ गई। नींबू मिर्ची टूट के गिर गई, मैं तो 4-5 लगवा दूंगी, कोई तो बची रहेगी। दो ब्लू पेन, दो ब्लैक पेन, एक हाइलाइटर ले, ये खा के जा। मेरा पेट भर गया मम्मी, बिल्कुल भी जगह नहीं है पेट में, और नाश्ता कर तो लिया मैंने। बेटा ये दही चीनी है, खा के पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया पेट में, डाइजेशन भी अच्छा होगा और पेपर भी अच्छा होगा। ले, फिर दही चीनी खिला देती ना, परांठे क्यों ठुसवाए। ले खा चुपचाप। भूमि की मम्मी से पूछा था मैंने, दही चीनी खिला के भेजती हैं, तभी तो हमेशा टॉप करती है भूमि। देखियो तू भी टॉप करेगी इस बार, वरना फर्स्ट सेकंड डिवीजन तो आ ही जाएगी। सारा खा ले बेटा, मुंह नहीं बनाते, खुश होके खा के जा, फिर देखियो मेरे दही का कमाल, कैसे तेरा आइंस्टाइन की तरह दिमाग चलता है। खा लिया। हाँ आ रही हूँ। चल जा, वो लड़की वेट कर रही है तेरा, और हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। ओछ, अले तेरा भला हो, नास पीटे तुझे अभी छीक मारनी थी। ओ मम्मी जी, छीक किते मारी है, केड़ा बॉम्ब फोड़ा है। हमेशा की बात है, कोई अच्छे काम के लिए जाए या कोई जरूरी काम के लिए जाए तो इसकी छींक जरूर निकलती है, वैसे नहीं आएगी इस हरामजादे को छींक। मम्मी मैं जाऊं,
रुक जा बेटा, 5 मिनट रुक के जाइयो। मम्मी एंट्री बंद कर देंगे, फिर तो पेपर ही नहीं दे पाऊंगी। रुक जा 1 मिनट, चल एक छींक और मार जल्दी। ओ हुण किद्दां मारा मम्मी जी, आई थोड़ी ना है। ठीक है, कोशिश करदा। ओ नहीं आ रही मम्मी जी। मम्मी मैं जाऊं, आरिका वेट कर रही है बाहर। ओ 1 मिनट रुक जा, तेरा पेपर नहीं खराब होना चाहिए था, नहीं तो मम्मी जी ने मेरा जीना हराम करके रख देना है। मम्मी अब जाऊं मैं? चल जा तू। हराम खोर कहीं के। सो द विनर इज मुनावर। मम्मी हट जाओ ना टीवी के सामने से। बोलती बोलती थक गई इस लड़की को कि फिटिंग के लिए दिया कुर्तियां टेलर को। देखो कितनी सुंदर सुंदर कुर्तियां रखी हैं, लेकिन ये लड़की हाथ तक नहीं लगाती। कितना टाइम हो रहा है? 5 बज रहे हैं मम्मी। थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, मैगी बना लूंगी। चलो अभी तो 1 घंटा है पूरा, आराम से कटिंग करके सिल दूंगी। क्यों, आपको कहीं जाना थोड़ी है? जाना तो कहीं नहीं है, शाम होने के बाद सुई नहीं चलानी चाहिए ना घर में। ये कौन सा लॉजिक है? क्यों नहीं चलाते सुई, उसमें क्या है? नहीं चलाते, होता है कुछ। क्या कुछ होता है मम्मी, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। तू बड़ी दादी अम्मा हो रही है जो तुझे सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें दादी अम्मा वाली क्या बात है, बता दो ना, पूछा ही तो है मैंने बस। बेटा दिन ढलते पे सुई नहीं चलानी चाहिए, कलेश होते हैं घर में। ऐसा कुछ ही नहीं होता मम्मी, फालतू की चीजें मानती रहोगी आप। अच्छा फालतू की चीजें, बेटा मैं ही हूँ जो समझा बुझा के रख रही हूँ तुम्हें, नहीं तो तुम तो कलेश करके अखाड़ा बना दो मेरे घर का, बर्बाद करके रख दो। ऐसा सच में कुछ नहीं होता मम्मी, चाहे मैं खुद चला के दिखा दूंगी आपको रात को सुई। टांगे तोड़ के रख दूंगी तेरी, जो सुई को हाथ भी लगाया तो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी, जरा दिख जाए मुझे तेरे हाथ में सुई। अरे यार मम्मी, सुई नहीं होगी, तलवार होगी जो खून खराबे हो जाएंगे। पहले ना आप मुझे ये बताओ, आपको किसने बोला कि रात को सुई नहीं चलाते? मुंह बंद करके बैठ जा, जुबान न लड़ा मुझसे, जा जाके कैंची लेके आ। कुछ ही होती रहेगी, चलाती रहती है। आजकल के बच्चे बहस पे उतर आते हैं, कुछ समझाओ तो समझते नहीं है, उल्टा हमें ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं। मम्मी सुई क्यों नहीं चलाते? ये तो टाइट हो रही है मम्मी। हे भगवान, मैं तो हैरान हूं, ये मेरी औलाद है, खाली कैची चला रही है। अब इससे कौन से युद्ध हो जाएंगे घर में? नहीं मानेगी तू, बरकत जाती है घर की खाली कैची चलाने से। मेरे घर की तो वैसे ही चली गई है जब से तुम्हारी जैसी औलाद आ गई है मेरी जिंदगी में, 1 रुपया नहीं रुकता घर में। फिर भी अलमीरा में लॉक ऐसे लगा के रखती हैं जिसे चोर इनकी तिजोरी लूट के ले जाएगा। ये लो अपनी कैंची, रख दे नीचे, उठा लूंगी मैं। हाथ में लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। चल
आ रही हूँ एक दो घंटे में, पापा आए तो खाना दे देना। कहाँ जा रही हो मम्मी? हेलो, कहाँ 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 टोकना जरूरी है? कितनी बार समझाया तुम्हें कि जब कोई घर से कदम बाहर रखे तो टोकना नहीं चाहिए, पर अकल ही नहीं आती इनकी बैल बुद्धि में। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अगर पापा आके पूछेंगे या कोई और पूछेगा तो उन्हें क्या बोलूंगी। कोई आफत नहीं आ रही, घर ही वापस लौट के आऊंगी, और फोन है मेरे पास, जिसे जरूरत होगी कॉल कर लेगा। हाँ भैया, बस निकल ही रही हूँ, वो जो डिजाइन मैंने पसंद किया था वो निकाल के रख लेना। हाँ हाँ, कैश ही लेकर आ रही हूँ। नहीं भैया, आज तो नहीं आ पाऊंगी, वो शनिवार पड़ गया ना आज। हाँ, आपको तो पता ही होगा सोना चांदी नहीं खरीदते आज के दिन। चलो फिर, कल परसों में देखती हूँ। चलो। क्या हुआ मम्मी, वापस क्यों आ गए आप? तेरी टोक लग गई और क्या। इतना बड़ा जुर्म कर दिया क्या मैंने पूछ के? घर से बाहर निकलते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, फिर 5 मिनट रुक के जाने का भी सोचा, फिर दिल ने मना कर दिया कि रहन दे आज मत जा। मैं क्या, आज का दिन ही सही नहीं है। एक मिनट मम्मी, अश्मिता का कॉल आ रहा है। हाँ अच्छा, चल ठीक है, 10 मिनट दे, मैं आती हूँ। ठीक है, कहाँ जा रही है? अरे यार मम्मी, क्यों टोक दिया आपने? आप ही तो कहती हो ना कि जाते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए। मतलब मम्मी, आने के बाद पूछ लेती ना। मेरी माँ बनेगी। अश्मिता के साथ पार्लर जा रही हूँ, उसे वैक्सिंग करवानी होगी। ये टोकने वाली बात सिर्फ हम पे अप्लाई होती है क्या, मम्मियों पे नहीं होती? फेरी वाला चादरें तो अच्छी लेके आता है। सही मिल गई चादरें कॉटन की। हाय रब्बा, देखो क्या भौंक रही हूँ आज सुबह से मैं, जो तू ये नाखून काटने बैठ गई। मम्मी कल स्कूल में चेक होंगे ना नेल्स, चेकिंग है कल। थर्सडे को ही याद आता है ना तुझे सब कुछ। कल भी कौन सा काटने दिया आपने, बोल रही थी कि बुधवार है, और अगर नेल्स कट करके नहीं गई ना आज तो कल मुझे क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगी टीचर। मना कर रही हूँ ना, रख दे से चुपचाप, स्कूल तो बाद में जाएगी, पहले मैं ही चटका दूंगी तुझे। यार मम्मी, वेंसडे को भी नहीं काटने, थर्सडे को भी नहीं काटने, शाम को भी नहीं काटने, सुबह को भी नहीं काटने, तो क्या फांसी लगा लूं क्या मैं? किया तो था। एक नॉवल की स्टोरी। कपड़े तो बहुत सारे गंदे पड़े हैं आज, मशीन भी भरी पड़ी है। बेटा दिन कौन सा है आज? थर्सडे होगा। फिर आज तो नहीं लग पाएगी मशीन। ओ मम्मी जी, मेरी जीन भी गंदी पई है, लाके आवा? आज और पहन ले बेटा, आज थर्सडे, आज नहीं धोऊंगी कपड़े। शाबा। ओ मम्मी जी, तो अभी वखरा ही स्टाइल है, थर्सडे नु कपड़े नहीं धोने, फ्राइडे नु ए नहीं करना, सैटरडे नु ओ नहीं करना, गली नहीं पल्ले पैंदी है मैनू। चलो मशीन में डाल देती हूँ, कल सुबह धो दूंगी। देख नालायक लड़की पैर हिला रही है। कितनी बार समझाया है तुझे कि पैर नहीं हिलाते खाली बैठे हुए, अब दिख गई ना मुझे तू पैर हिलाते हुए, तेरे पैर ही तोड़ दूंगी, फिर हिलाते रहना। बर्बादी कर रखी है मेरे घर की। ये कुशन के कवर भी निकाल ही लेती हूँ। गंदे हो रहे हैं। ओ मम्मी जी, मन्नू कौन याद कर रहा? ताया, चाचा, मासा, जमासी, ओ कोई तो जरूर याद कर रहा है। इन्ना दिना तो गया नहीं ना मैं उन्हां दे घर, कौन याद करेगा इसे। तुसी ना एक कम करो, मेरी ना गल करा दो रिश्तेदारा नाल, ताई रुकनी है मेरी हिचकियां। आ वेखो मम्मी जी, फिर आ गई, हुण नहीं रुकनी है ना ने, जदों तक गल नहीं होनी। कौन याद करेगा तुझे शैतान, जहां जाता है ना वही आफत उठा के रख देता है। जिसके घर जाता है ना ये, उसका पूरा जीना हराम करके रखाता है,
फिर कोई दोबारा नहीं पूछता इसे। सब हाथ जोड़ लेते हैं कि कोई भी आओ पर इसे साथ मत लेकर आओ। कहते हैं हाथ जुड़वा लो लेकिन इस जित्ते को ना हमारे घर मत लेके आना। ओ तू चुप कर, मम्मी जी या दादी भी कोई गल नहीं आएगी, इन्नी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बंदे दी। मम्मी मेरा टी टूट गया। हाँ अब मेरा टीथ नहीं आएगा। अमित चूहे ने ले जाने हैं तेरे सारे दांत एक एक करके। सच में मेरा दांत चूहा ले जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों के दांत तो टूटते ही हैं। सबके दांत टूटते हैं एक बार, तभी तो आते हैं नए और स्ट्रॉन्ग दांत। जा इसे मिट्टी में दबा के आ जा, फिर तेरा एकदम नया और सफेद चिट्टा दांत आएगा। उम्मीद आ जा, दोनों चलते हैं तेरे दांत नु दबाण। आ जा। अच्छे से दबा के आना। अरे हाँ, मैंने छत पे अचार के डब्बे भी तो रखे थे। अच्छा सुन, जा तू छत पे से अचार के डब्बे उतार ला। ठीक है मम्मी, मैं अचार के डब्बे ले आती हूँ। और आप ना एक काम करो, आप ना मेडिकल से जाके पैड्स ले आओ, मुझे पीरियड्स आ गया ना। रुक जा, रहने दे, मैं ले आऊंगी अचार भी। चल सही किया, बता दिया तूने, वरना मेरी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता, सारा अचार खराब हो जाता मेरा। ये क्या था मम्मी, पीरियड्स और अचार का क्या कनेक्शन है? अब तो मैं ही लेकर आऊंगी। अरे अरे बताऊं तुझे अभी, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए बच्चों को। ले ये मशीन में डाल के कपड़े सारे, चल मैं ले आऊंगी खुद। इतना टाइम क्यों लगाती है तू? भाई ने छींक मार दी थी ना, तो रुकना पड़ा थोड़ी देर मुझे। ओ अच्छा, चल सही क्या, वरना हम दोनों का पेपर खराब हो जाता। अरे मैं भी तो तेरे घर के बाहर ही खड़ी थी ना। और बता प्रिपरेशन कैसी है तेरी? सुबह 4 बजे उठ गई थी। क्या बात है, सारा रिवीजन कर लिया? ना सुबह नहा धोकर मंदिर गई थी, एग्जाम डे है ना, जाना बनता है। और तूने हेयर वॉश किया आज? हाँ मुझे पता है आज थर्सडे है, वो जो मम्मी से डांट पड़ी ना उसके बाद मुझे याद आया कि आज हेयर वॉश नहीं करते हैं। तभी मैं सोचूं थर्सडे को हेयर वॉश और नेल कट नहीं करते हैं ना, वैसे क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं यार, मम्मी से पूछो तो उल्टा डांटने लगती हैं कि बहस कर रही है। एक मिनट रुक, ये ले प्रसाद, इसे खा के तेरा पेपर 100% अच्छा जाएगा। और सुन मैं बुलाऊं ना, पीछे मुड़ के देख लियो, प्रसाद दिया है ना मैंने तुझे। ओ अब आया समझ, तो पेपर से पहले मस्का लगा रही है। वैसे तो मैं दही चीनी खाकर आई हूँ, मम्मी ने खिलाकर भेजा था। ये दही चीनी खा के आई है? और मैंने तो इसे प्रसाद भी दे दिया, अब तो इसका पेपर डबल अच्छा जाएगा। रुक रुक, ओ ला दे दे, ये ले मेक अ विश। हे भगवान जी प्लीज पेपर अच्छा करा देना। क्या विश मांगी तूने? पागल है क्या, विश बता दूंगी तो पूरी कैसे होगी? पूरी तो वैसे भी नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे पता है तूने क्या मांगा है। और बताओ कैसे गया तेरा पेपर? दही चीनी खाकर गई थी, अच्छा तो जाना ही था। और तेरा? वैसे पेपर आया तो हार्ड था, पर मैंने फर्स्ट पेज पे ओम बना दिया था बड़ा बड़ा, तो उसकी 20 marks तो पक्के हैं। प्लस मैं सुबह उठ के मंदिर भी तो गई थी, अब भगवान जी कुछ तो सोचेंगे ना मेरे बारे में। ओए सुन, तू कल क्यों नहीं आई थी खेलने? मेरे ना मामा जी आ गए थे और वो ना व्हाइट वाले रसगुल्ले लेकर आए थे, तो मैंने वो खा लिए थे, तो मम्मी ने बोला कि मीठा खा के ना बाहर नहीं जाते, भूत चिपक जाते हैं। ऐसा भी है? कितनी तेज लग गया, जल्दी से एक बार और टकरा ले। पागल है क्या, बहुत तेज लग गई है मेरे को। नहीं टकराएगी ना तो काला कुत्ता काट लेगा हम दोनों को। ऐसा कुछ नहीं होता। चल ठीक है, वैसे भी मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है।
Hey guys, I hope you all are doing really great. So guys, आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, आपको पसंद भी आई होगी, रिलेट भी की होगी. आई नो आप लोग सोच रहे होंगे वीडियोस इतने लेट क्यों आ रहे हैं. तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट करें अपने कंटेंट को लेकर, थोड़ा सा उसमें और मसाला डालें और थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बनाएं. तो इसीलिए थोड़ा सा सोचने में टाइम लग जाता है हमें. बाकी आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो पर लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो. तो इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, बहुत सारा प्यार देना है. बाकी वीडियो को शेयर करो, इन्जॉय करो, बहुत सारा प्यार दो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं तो हर शनिवार को लगवा लेती हूँ नींबू मिर्ची. सॉरी बुली बलाएं ये टंग यूज ऐसी चीजें बोलते नहीं है ना. मैं तो हर शनिवार को लगवा लेती हूँ नींबू. हर शनिवार को लगवाती हूँ सॉरी मैं तो हर शनिवार को लगवाती हूँ नींबू मिर्ची. सारी बुली बलाएं सॉरी सारी बुरी बलाएं दूर रहती हैं ना. कहाँ से लेखा चुपचाप उसके बाद भूमि की मम्मी से पूछा था मैंने, दही चीनी खिला के भेजती है तभी तो भूमि टॉप करती है. भूमि की मम्मी. चलो 3-2-1 एक्शन. चल जा, वो लड़की वेट कर रही थी देर से, मैं तो तौले गिर गई. चलो मशीन में डाल देती हूँ, कल सुबह धो दूंगी. करूँ? ये क्या था, ये कुत्ते की तरह कर रहे. मम्मी हंसते हुए. ऐसा नहीं हंसती मम्मी. चलो नॉर्मल. हाँ चलो. मीत आती है रोते हुए. करूँ? हाँ करूँ. करने दे. बाहर निकाल दिया मैंने उसे.